अरिपन, आज मैं आपको सूरदास के पद इसके प्रश्नोत्तर बता रही हूँ। तो इसमें पहला प्रश्न है, गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? भाग्यवान उन्होंने ये इसलिए कहा था क्योंकि वो कृष्ण के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके हृदय में पूरी तरह से प्रेमहीनता है। किसके? यहाँ पर उद्धव जी को ये कहा जा रहा है। वे प्रेम के बंधन से पूरी तरह से मुक्त थे। उद्धव जी को इसलिए भाग्यवान कहा है, उनका मन किसी के प्रेम में डूबता ही नहीं था। श्री कृष्ण के निकट रहकर भी वो प्रेम के भाव से वंचित रहते थे, इसीलिए गोपियों ने उन पर यह कहकर उन्हें उलाहना दिया है कि तुम तो बड़े भाग्यवान हो, श्री कृष्ण के पास रहते हो लेकिन फिर भी उनके प्रेम जाल में नहीं फंसते हो। दूसरा प्रश्न जो आ जाता है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके से की गई है? तो सबसे पहले उद्धव जी के व्यवहार की तुलना की गई है कमल के पत्तों से, और फिर की गई है तेल की मटकी से। तो कमल का पत्ता होता है उस वो पानी में रहता है लेकिन उस पर फिर भी तेल नहीं लगता। इसी प्रकार से तेल की जो मटकी होती है वह भी पानी में रहती है लेकिन उस पर पानी नहीं लगता है। कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है आपको पता ही है, तो भी उस पर एक बूंद भी पानी की नहीं ठहरती है। उद्धव जी भी उसी तरह से अनाशक्त थे कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रेम भाव के प्रति वह बिल्कुल से मुक्त था। तो इसीलिए पहला प्रश्न भी अगर जोड़ करके देखें तो इससे जुड़ रहा है। फिर प्रश्न आता है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए थे? उन्होंने सबसे पहले बड़ भागी कह करके उल्हाना दिया था, जो कृष्ण के पास रहता है, निकट रहता है, फिर भी उसके प्रेम में नहीं रहता है, तो उसे बड़भागी कहकर उल्हाना दिया। फिर वो कहती हैं कि तुम जो योग का संदेश लेकर के आए हो वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। फिर वो कहते हैं कि योग का संदेश तो हमें बिल्कुल कड़वी ककड़ी जैसा लगा है, और वो कहती हैं कि यह तो हमें बीमार कर देगा। गोपियों ने उद्धव को वह गुरु माना जिसने कृष्ण को राजनीति सिखा दी थी। तो यहाँ पर कई सारे उदाहरण आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कमल के पत्ते से वह तुलना कर देती हैं, और कहीं तेल की गगरी से भी वह उनकी तुलना कर देती हैं, यानी चिकना घड़ा जिसे हम लोकल भाषा में बोल देते हैं, जिस पर कोई भी बात का असर ना होता हो। यानी कि इस तरह से उद्धव को कई सारे उल्हाने दे करके अपनी बात को प्रकट करती हैं। फिर प्रश्न आता है कि उद्धव के द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विरह की अग्नि में घी का काम कैसे किया? जब कृष्ण भगवान चले गए थे गोपियों को छोड़ करके, तो वो गोपियां जो थी वो वियोग की अग्नि में हमेशा जला करती थी और हर समय उन्हीं का नाम लिया करती थी, उन्हें याद किया करती थी। लेकिन उनके मन में एक आशा थी कि भगवान जब आएंगे तो हम उन्हें अपने मन की बात बता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके स्थान पर कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को योग का संदेश लेकर के भेज दिया, जिससे उनकी अग्नि जो है और भी भड़क उठी। विरह की जो अग्नि थी वो तेज हो गई, यानी उनका जो दुख था कि भाई भगवान आएंगे तब हम उनसे मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उन्हें कल्पना भी नहीं थी कि उन्हें योग का संदेश मिलेगा, इससे उनका विश्वास टूट गया और योग के वचनों से उनका मन टूट गया। फिर उन्होंने उद्धव जी को बड़ी जलीकटी सुनाई, बड़े उल्हाने दिए कि तुम तो भाई भगवान के पास भी रहते हो तो भी तुम उनके प्रेम में नहीं उलझते हो। प्रश्न आ जाता है, मर्यादा न लही, इसके माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है? गोपियां जो थी भगवान से प्रेम करती थी, तो उन्होंने इसलिए अपना सुख चैन सब खो दिया था, लेकिन उन्होंने घर बाहर का विरोध सहते हुए भी, विरोध करते हुए भी मान मर्यादा की परवाह उन्होंने नहीं की थी, और उन्हें सबका भला बुरा सुनना पड़ता था। उनके घर के लोग जो थे काफ़ी उन्हें कुछ कुछ कहते रहते थे, भला बुरा कहते रहते थे। तो श्री कृष्ण ने जब उद्धव जी के द्वारा संदेश उन्हें दिया तो उन्हें ऐसा लगा कि कृष्ण के द्वारा उन्हें त्याग देने के कारण उनकी सारी मर्यादा खत्म हो रही है, क्योंकि लोग तो ये कहेंगे भाई तुम तो इनके प्यार में थे, इनके प्रेम में थे तुम तो किसी की सुनते नहीं थे आप, लोगों की मर्यादा का तुम्हें ध्यान नहीं था, अब उसी व्यक्ति ने तुम्हें त्याग दिया है। तो यहाँ पर उनकी प्रतिष्ठा जो थी गोपियों की पूरी तरह से खत्म होती हुई नज़र आ रही है। ये जो सेक्शन है इसमें मैंने आपको केवल 5 क्वेश्चंस बताए हैं। इसी तरह के और वीडियोस मैं समय समय पर लाती रहती हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताया करें चैप्टर का,
जब भी आपको जो भी पढ़ना हो तो मुझे नेम बताना, क्योंकि मुझे एक्चुअली है ना, मेरे पास वो वाले बुक्स नहीं हैं, ये दूसरे हरियाणा बोर्ड की बुक्स हैं। तो CBSE में भी यही सिलेबस होता है, लेकिन इनके चैप्टर नेम जो है सीक्वेंस चेंज हो जाता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को भी प्रेस कर लो, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।